कवर्धा जिले के लोहारडी अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एएसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय ने मृतक प्रशांत साहू के परिजनों से बात की। इस मामले में उन्होंने एडिशनल एसपी को सस्पेंड करने की जानकारी दी और पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि जेल में हुई मौत जांच का विषय है, कल भी जांच हुई थी। राजनांदगांव आईजी दीपक झा और डीजी को मामले की जांच के लिए भेजा गया था। डॉक्टर ने बताया कि हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया है, आज भी पंचनामा हुआ है, जिसमें लोगों ने बताया कि चोट के निशान थे। बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है, इसकी रिपोर्ट होने पर पूरी बात स्पष्ट होगी। जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है, कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था और आज भी पंचनामा हुआ है, जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है, तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गाँव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गाँव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया, तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जाँच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक, जब तक परिस्थितियां ठीक ना हो जाती हैं, तब तक शासन प्रशासन की होगी। कांग्रेस जो है लगातार सियासत